चलो, कौन सा लेक्चर है ये? सरफेस केमिस्ट्री का 7 है, 6 या 7 होगा, 5 है या 6 है 6 है? शायद। नहीं, 6 है ना। चलो तो इसमें देखो, कोलॉइड का क्लासिफिकेशन बताया था, तो सबसे पहले वो ऑन द बेसिस ऑफ वो हम लोग देख लिए थे फिजिकल स्टेट, ठीक है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम का, उसके बेसिस पे देखे थे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड आए थे। उसके बाद सेकंड जो क्लासिफिकेशन हम लोग देखे, किसके बेसिस पे देखे, वो था इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, उसमें लियोफोबिक और लियोफिलिक दो टाइप के कोलॉइड आए थे। तीसरा जो क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज था, पॉजिटिव और नेगेटिव सोल बताए थे ना, उसके एग्जांपल्स भी देखे थे। और चौथा जो क्लासिफिकेशन था, फोर्थ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, तो उसमें शायद तीन टाइप का कोलॉइड हम लोग पढ़ चुके थे। एक मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड था, दूसरा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड था, और तीसरा एसोसिएटेड कोलॉइड था। एसोसिएटेड कोलॉइड बताए थे क्या? यस सर, और बोले थे आज डिटेल में डिस्कस करना है। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ये देखो एसोसिएटेड कोलॉइड्स बचा हुआ था। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स को इसका इसको माइसेल भी बोला जाता है, ठीक है, माइसेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं या एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो होते हैं वो लोअर कंसेंट्रेशन पे जो होता है, ठीक है, वो एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। लोअर कंसेंट्रेशन पे वो सॉल्यूशन होता है, बट जैसे ही उसका कंसेंट्रेशन हम लोग हाई करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो वो एसोसिएटेड कोलॉइड, एक कोलॉइड मतलब उसके पार्टिकल साइज है वो कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, ठीक है, कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने पे। तो उस टाइप के कोलॉइड को बोला जाता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है माइसेल, ठीक है। तो माइसेल यहाँ पे माइसेल यूज किया जाता है, तो एक टर्म आता है क्रिटिकल माइसेल कंसेंट्रेशन, जिसको सीएमसी बोलते हैं हम लोग। क्या है ये? सॉरी, क्रिटिकल माइसेल कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके बारे में बताए ही थे कि लोअर कंसेंट्रेशन पे वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, और एक हायर कंसेंट्रेशन पे वो एसोसिएटेड कोलॉइड की तरह बिहेव करता है। तो एक एक कोई रेंज होता है या एक कोई वैल्यू होता है कंसेंट्रेशन का, उस कंसेंट्रेशन के अबव वो क्या करेगा, कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा, और उस कंसेंट्रेशन के बिलो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, क्रिटिकल माइसेल कंसेंट्रेशन, द कंसेंट्रेशन above which the formation of micelle takes place, ठीक है, the formation of micelle takes place। तो वैसा concentration कि जिस concentration के above micelle का formation होगा, उस concentration को बोला जाता है critical micelle concentration। अब ये critical micelle concentration value of CMC जो है, ये कौन कौन से चीजों पे depend करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ सीएमसी डिपेंड्स ऑन, तो पहला तो है ये ऑन द नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, द नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम अगर चेंज करोगे तो वो कंसेंट्रेशन का वैल्यू जो है मिनिमम जितना चाहिए वो भी वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल माइसेल कंसेंट्रेशन पहला चीज है कि वो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है कि यूजुअली, सेकेंड पॉइंट है इसमें, यूजुअली लॉन्गर द हाइड्रोफोबिक चेन, लॉन्गर द हाइड्रोफोबिक चेन। इसमें देखो, एक तुम लोग क्लास टेंथ में माइसेल पढ़े होगे, जो सोप होता है, सोप का सॉल्यूशन जो होता है, पढ़े हो ना, उस वहां पे हम लोग माइसेल वाला टर्म यूज करते देखे होगे उसमें। तो सोप में क्या होता है कि एक लंबा, बहुत ही लंबा कार्बन का चेन होता है, और उसके आगे एक आयनिक पार्ट होता है, सोडियम स्टीरेट, पढ़े होगे तुम लोग, सोडियम स्टीरेट आयन होता है सोप में, है ना। तो C17H35COONO याद है? यस सर, एक सोडियम ऑलिएट, हाँ वो भी होता है।
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो सारे सोडियम स्टीरेट वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, तो C17H35, तो वो जो लंबा 17 कार्बन एटम का जो चेन है, पूरा लंबा चेन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक चेन होता है, मतलब पानी में वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, पानी उससे वो रिपेल करेगा, पानी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक चेन। तो जितना लंबा हाइड्रोफोबिक चेन होता है उसका सीएमसी का वैल्यू उतना छोटा होगा, स्मॉलर इज इट्स सीएमसी वैल्यू, ठीक है, ये देखा गया, जनरली ऑब्जर्व किया गया। और तीसरा क्या होता है कि द सीएमसी वैल्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन को इफेक्ट करते हैं। इसमें एक और टर्म आता है क्राफ्ट्स टेम्परेचर, क्राफ्ट्स टेम्परेचर, ठीक है, तो क्राफ्ट्स टेम्परेचर का रोल क्या हुआ, मतलब क्राफ्ट्स टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, तो ये होता है कि वैसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच, द टेम्परेचर अबव विच द फॉर्मेशन ऑफ माइसिल टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ पे देखो एक टाइम जैसे कंसंट्रेशन होता है कि एक मिनिमम इतना कंसंट्रेशन चाहिए, लिमिटिंग कंसंट्रेशन, उसके अबव जो है वो कोलाइड फॉर्म करेगा, उसके नीचे वो सॉल्यूशन रहेगा, ट्रू सॉल्यूशन रहेगा। तो उसी तरह टेम्परेचर भी होता है कि एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, मतलब जिस वो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन पे जो टेम्परेचर है, ठीक है, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन पे जो टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर के अबव क्या होगा, वो कोलाइड का फॉर्मेशन होगा, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट्स टेम्परेचर, कि जिस टेम्परेचर के अबव क्या हो रहा है, वो माइसल का फॉर्मेशन हो रहा है या कोलॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको बोला जाता है क्राफ्ट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे कंसंट्रेशन एक रोल प्ले कर रहा है, उसी तरह टेम्परेचर भी एक रोल प्ले करता है, कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर कंसंट्रेशन पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, या नहीं पड़ेगा बताओ, मोलैरिटी पढ़े होगे ना, मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन बोलते हैं, ये पढ़े होगे वहां पे, मोलैरिटी जो है या कंसंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन वैरी करेगा, तो इसलिए वो टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है कि जिस टेम्परेचर के अबव वो कोलाइड का फॉर्मेशन होगा या माइसिल का फॉर्मेशन होगा, तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्राफ्ट्स टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइसिल के, ये ध्यान रखो, एग्जाम्पल्स ऑफ माइसल, तो इसमें जो पहला है सोडियम स्टीरेट, ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़े ही हो, सोडियम स्टीरेट, तो सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला C17H35 और COO- और Na+, ठीक है। तो इसमें ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये जो लंबा कार्बन चेन है हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये जो पोलर पार्ट है ना जिसके ऊपर चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, मतलब ये पानी से अट्रैक्ट होगा और ये वाला पानी इसको रिपेल करेगा, वाटर रिपेलेंट होता है ये, तो हाइड्रोफोबिक मतलब वो पानी से दूर भागेगा, रिपल्शन होगा, पानी उसको रिपेल करेगा, और हाइड्रोफिलिक मतलब पानी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो पोलर कंपाउंड है, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो वो पोलर पार्ट को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नॉन पोलर पार्ट को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। तो ये जो चार्ज्ड पार्ट है इसका स्टीरेट का, स्टीरेट आयन का, तो वो वाटर के प्रति अट्रैक्ट होगा, तो इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं, और जो लंबा हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है, लंबा कार्बन चेन है, उसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोला जाता है। तो ये सोडियम स्टीरेट हो गया, ठीक है। सेकंड होता है, और भी एग्जांपल्स हैं इसमें, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है, ये भी एक माइसिल का एग्जाम्पल है, तो इसमें ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है CH3CH2 11 SO4 2- और यहाँ पे Na+, ठीक है। तो ये है
सोडियम लॉ फॉर्मूला उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है तुम लोगों को, बस एग्जांपल्स याद रखो, एक आध दो एग्जांपल्स तुम लोग को लिखना होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुमसे फॉर्मूला पूछेगा, बस एग्जांपल्स के लिए ये ध्यान रखना। तो दूसरा मैसेज ये हो गया। एक और होता है सिटाइल ट्राइमिथाइल, अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला ये CH3 CH2 होल 15 N, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, CH3 होल थ्राइस, और यहाँ पे Br माइनस, ठीक है? तो ये है, ये भी एक कोलाइड का ही एग्जांपल है, माइसल का एग्जांपल है, ठीक है? तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये जो कोलाइड है इस पे ये जो आयन है, एनायनिक पार्ट है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइड बनाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। और यहाँ भी सल्फेट आयन है, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड सोल होगा। और यहाँ पे क्या है, कोलाइड के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है, ठीक है? पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, ये चार्ज का भी ध्यान रखना। क्लियर है ना? तो इसमें देखो माइसेल क्या है, मतलब जैसे यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो लंबा चेन है, ठीक है, और इसका माइनस, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मान लो C17 H35 है, ठीक है, ये ऐसे है C17 H35, और ये COO-, ठीक है, और यहाँ पे Na+, हाँ, सोप का जो होता है ये। तो ये वाला जो पार्ट है पोलर पार्ट इसको बोलते हैं, तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, इसको ऐसे हम लोग सर्कल से ऐसे हेड से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है? और ये जो लंबा चेन है कार्बन चेन, तो इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोला जाता है, क्योंकि ये पानी से रिपेल होगा, ठीक है? पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, पानी इसको रिपेल करेगा, नॉन पोलर पार्ट है ये, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसको टेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? तो इसको टेल होता है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट टेल रिप्रेजेंट करेगा, और सर्कल से जो हेड वाला पार्ट होता है उसको हाइड्रोफिलिक पार्ट बोला जाता है, जो पोलर पार्ट है। क्लियर है ना? सोप का जैसे क्लिनसिंग एक्शन है, तो वो सब ऑलरेडी तुम लोग पढ़े होगे, वो बताना है क्या, कैसे सोप क्लीन करता है, क्लिनसिंग एक्शन बताना है या नहीं बताना है, वो तो पढ़े हो ऑलरेडी। उसमें होता है ना कि जो डर्ट मॉलिक्यूल है उसको चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है? मतलब उसका टेल जो है वो उससे दूर जाएगा, और जो हेड पे रहता है, ये इस टाइप का अरेंजमेंट कुछ होता है, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे एक बबल टाइप का बन रहा है, ठीक है, सर्कल ही हम लोग अज्यूम करते हैं, इस तरह से है, और ये मान लो ये सी, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, COO-, ये नेगेटिव पार्ट है, पोलर पार्ट है, ठीक है? और ये टेल जो है ये पानी से दूर भागेगा, और ये पानी के सरफेस पे, इसके चारों बगल पानी है, ठीक है? तो ये पोलर पार्ट पानी से अट्रैक्ट होगा, ठीक है? उसी तरह यहाँ पे COO- ऐसे ड्रॉ कर दें, तो इसका भी टेल ये ऐसे आएगा, यहाँ पे COO- ड्रॉ करेंगे, ये भी टेल आएगा, यहाँ करोगे ऐसे, ठीक है? तो कुछ इस टाइप का माइसेल का अरेंजमेंट होता है, ये पढ़े होगा ना ऑलरेडी? यस सर, फिर उठा के ले जाता है डर्ट को। हाँ, ये चारों बगल से डर्ट को ऐसे घेर लेता है, और उसके बाद वो खींच लेता है बाहर, और पानी में ले आता है उसको, डर्ट के मॉलिक्यूल को। Na+ थोड़ी ना है, ये माइसेल कौन बनाएगा,
जो एनायनिक पार्ट है, जो लंबा जिसके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो ना बनाएगा माइसेल। एन ए प्लस थोड़ी ना माइसेल फॉर्म करेगा, समझ में आ रहा है? माइसेल हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके पास दोनों पार्ट हो, एक पोलर पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और दूसरा सॉरी पोलर वाला पार्ट जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है और नॉन पोलर वाला जो पार्ट है लंबा कार्बन चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो वो बनाएगा ना माइसेल, उसको माइसेल बोलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे वही वाला कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, सोडियम स्टीरेट आयन का ही, तो स्टीरेट आयन के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस चार्ज है ना, नेचर क्या है चार्ज का, माइनस चार्ज है। तो इस टाइप का ये फॉर्मेशन ऑफ माइसेल है, ठीक है, इस टाइप का ये माइसेल फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ, इसको आयनिक माइसेल बोलते हैं, ठीक है, सारे में आयन ही होगा, आयनिक माइसेल का फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है। तो ये जैसे सोप सॉल्यूशन लोगे तो सोप सॉल्यूशन का क्लिंसिंग एक्शन भी इसी तरह होता है। ये क्या होता है कि एक माइसेल क्रिएट करेगा और जो डर्ट पार्टिकल है उसको चारों तरफ से ऐसे ही सराउंड कर लेगा वो, जैसे मान लो ये सर्कल है वो डर्ट का पार्टिकल है या ग्रीस का पार्टिकल है या ऑयल का ड्रॉपलेट है, तो उसको चारों तरफ से, ये सोप सॉल्यूशन में यही होता है, स्टीरेट आयन होते हैं, तो चारों तरफ से ऐसे ही सराउंडेड हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, ये जो ये है चारों तरफ से अगर अट्रैक्ट कर लिया डर्ट के पार्टिकल को, तो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद उसको फोर्स एक चारों तरफ से लग जाएगा, तो अट्रैक्शन फोर्स उस पर बहुत ज्यादा एक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो उसको खींच के पानी में ले आता है, बाहर ले आता है, और वो जो भी डर्ट पार्टिकल है कपड़े में चिपका हुआ था तो वो उसको खींच के बाहर निकाल के पानी में ले आएगा। तो उससे क्या हुआ कि तुम्हारा क्लोथ क्लीन हो गया और उसके बाद वाटर में आ जाएगा तो वो वाटर गंदा हो जाएगा। तो ये एक्शन होता है मैकेनिज्म ऑफ, या फिर इसको क्लिंसिंग एक्शन ऑफ सोप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हो, एक बार एनसीईआरटी में पढ़ोगे, दिया हुआ है फिर से दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, देखना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये ऑलरेडी पढ़े हो ना क्लास 10th में, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें बताओ? नो सर। ये हो गया तीसरा जो था एसोसिएटेड कोलाइड, जिसको कि माइसेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल में था। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? देख लो एक बार। चलो, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, खत्म हो गया, ठीक है। इतने टाइप्स के कोलाइड अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इतने टाइप्स के क्लासिफिकेशन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं उसी में नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड बनाने के लिए, क्योंकि देखो इसमें मेनली हम लोग लियोफोबिक सोल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि लियोफिलिक वाला जो सोल होता है उसमें इंटरेक्शन जो होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। तो वो उसमें बताए थे कि सिंपली अगर मिक्स कर दोगे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को तो आसानी से वो फॉर्म हो जाएगा सिंपली मिक्सिंग। लेकिन लियोफोबिक वाला सोल जो होता है उसमें इंटरेक्शन जो है बहुत ही वीक होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन, तो आसानी से सिंपली बाय मिक्सिंग प्रिपेयर नहीं होगा, उसके लिए कुछ फिजिकल या केमिकल मेथड हमको एम्प्लॉय करना होगा, ठीक है। तो वही चीज है, ये प्रिपरेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये लियोफोबिक सोल के लिए है, ठीक है, जिसको नॉर्मली बाय मिक्सिंग प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए स्पेशल केमिकल या फिजिकल मेथड यूज करते हैं हम लोग। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, तो इसमें सबसे पहला जो है केमिकल मेथड, अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, तो सबसे पहला है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में देखोगे कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कोलाइड का फॉर्मेशन होता है, तो जिसमें सबसे पहला है, ये सबसे पहला है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट रिएक्शंस हैं उसके बेसिस पे ये प्रिपेयर होता है सोल का। तो ये हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, FeCl3+3H2O, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल सबका दिया हुआ है बुक में, ये देख लेना। हाइड्रोलिसिस कराओगे इसका तो यहाँ पे बनता है FeOH होल थ्राइस, और ये क्या है FeOH होल थ्राइस, ये ऑलरेडी सोल का पार्टिकल होता है, ये हम लोग एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं, और ये 3HCl फॉर्म करता है। तो यहाँ से ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से सोल का प्रिपरेशन हो रहा है। दूसरा है रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन से भी प्रिपेयर होता है। तो रिडक्शन में है कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है AuCl3+ गोल्ड का रिडक्शन कराया जा रहा है, ठीक है, गोल्ड के क्लोराइड का HCHO, HCHO कौन सा कंपाउंड है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में
और प्लस 3H2O वाटर, और इसका रिडक्शन करा के तो गोल्ड क्लोराइड को जो है रिड्यूस करके गोल्ड में बदल दिया जाता है, तो 2Au, और ये गोल्ड सॉलिड सोल बनाता है, ठीक है। गोल्ड जो है ये सोल का एग्जांपल है, और यहाँ पे HCOH बन गया और प्लस 6HCl, ठीक है, 3HCOH, ठीक है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन से गोल्ड सोल का प्रिपरेशन हो रहा है, क्या बोलो? तो गोल्ड रिड्यूस होता है? हाँ, रिड्यूस क्यों नहीं होगा, आसानी से वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसका नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव इसके कंपाउंड्स जो बनेंगे, इसलिए तो ये जो कंपाउंड बनता है उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है गोल्ड का, समझ में आ रहा है? गोल्ड जो भी कंपाउंड्स बनाएगा, ऐसे तो इसके कंपाउंड्स बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि जनरली ये नेटिव स्टेट में ही मिलेगा अपने, क्योंकि अनरिएक्टिव है तो जनरली ये कंबाइंड स्टेट में मिलेगा नहीं। कंबाइंड स्टेट में अगर नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कंपाउंड इसका मिलता है थोड़ा बहुत परसेंटेज में, तो कंपाउंड भी जो होता है वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, उसको आसानी से रिड्यूस कराया जा सकता है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो फॉर्मल्डिहाइड यूज करके रिड्यूस हो गया, वो फॉर्मल्डिहाइड जो है खुद ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें? वो फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, और गोल्ड क्लोराइड को रिड्यूस करके गोल्ड में बदल दिया वो। तो दूसरा हो गया रिडक्शन, तीसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी ये प्रिपरेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन जैसा सल्फर डाइऑक्साइड एक दिया हुआ एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराया जाता है H2S के प्रेजेंस में, 2H2S, तो यहाँ पर सल्फर का सोल बनता है, 3 सल्फर, सल्फर का सॉलिड सोल, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, और प्लस 2H2O, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज होके, इसका ऑक्सीडेशन होके वो सल्फर में चला जाता है। सर लेकिन वो तो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना? हाँ, S8 के फॉर्म में वो रहता है, मतलब ये जो इसके जाता है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड का, ये ऑलरेडी देखे थे ना हम लोग कि सिर्फ सल्फर का एटम इतना छोटा होता है कि वो कोलाइडल रेंज में नहीं आता है, तो धीरे धीरे वो कंबाइन करके क्या होता है कि एसिड के फॉर्म में आ जाता है ना? तो ये किसका एग्जांपल था? मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें चौथा जो है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डबल डिकम्पोजिशन से भी ये फॉर्म होता है। तो डबल डिकम्पोजिशन में क्या है, As2O3 आर्सेनिक का ऑक्साइड है, और इसको H2S के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो इसमें आर्सेनिक का सल्फाइड बनता है As2S3। तो ये एक सोल है, हम लोग ऑलरेडी देखे थे, कौन सा सोल है ये, पॉजिटिव सोल है या नेगेटिव सोल है बताओ? तो आर्सेनिक का सल्फाइड नेगेटिव। नेगेटिव सोल है, क्लियर है ना? तो ये सारे कुछ कुछ केमिकल मेथड्स हैं जो कि यूज करके हम लोग कौन सा किस टाइप का कोलाइड प्रिपेयर किया जाता है इसे, लियोफोबिक या लियोफिलिक? लियोफोबिक, लियोफोबिक ना, चलो क्लियर है ना? तो ये सारे कुछ कुछ केमिकल मेथड्स हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वो प्रिपेयर कराया जाता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं, सेकंड जो मेथड है ये है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड, ठीक है, ये सेकंड मेथड है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, सॉरी इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, या फिर इसी को बोला जाता है ब्रेडिग्स आर्क मेथड, क्योंकि ब्रेडिग ये एक्चुअली साइंटिस्ट का नेम था, तो वो एक आर्क बनाया था, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक्चुअली ये जो मेथड है ये जो मेटल्स के मेटालिक सोल जो होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है ये मेथड, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, इसका अरेंजमेंट देखो इस टाइप का होता है, ये डायग्राम देखोगे बुक में दिया हुआ है, हम ड्रॉ कर देते हैं,
इस टाइप का सेटअप है कुछ। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है, ये ऐसे आइस है, ठंडा करने के लिए आइस है, आइस भरा हुआ है यहाँ पर। और इसमें जो है डिस्पर्सन मीडियम लिया गया है। ठीक है, ये है डिस्पर्सन मीडियम, और ये जो है आइस बात है। और यहाँ पे दो रॉड लिया जाता है, इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, इस टाइप का आर्क बनाया हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए इस टाइप का ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड्स है, एक को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करोगे, एक को नेगेटिव एंड से। तो ये मान लो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है और ये इधर पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जिस मेटल का सोल ऑब्टेन करना है वो इलेक्ट्रोड भी उसी मेटल का लोगे। जैसे मान लो कि ये जनरल मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। जैसे मान लो गोल्ड का हमको सोल ऑब्टेन करना है, तो इलेक्ट्रोड जो लेंगे हम लोग गोल्ड का ही इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है, और इसमें तुरंत इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, बहुत ही हाई करंट पास किया जाता है, हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है। तो वो गोल्ड क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। ऑब्वियसली हाई करंट पास करोगे तो वो मेटल का बना हुआ है, तो मेटल धीरे धीरे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पहुंचेगा और वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। और मेल्ट होना स्टार्ट करेगा तो उसमें क्या होता है, ठीक है, मेल्ट होता है और बहुत वेपोराइज भी होने लगता है। ठीक है, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है वहां पे कि वेपोराइज भी होने लगता है। तो वो क्या है कि इसीलिए वो किस में कनेक्टेड है, वो आइस बाथ में रखा गया है, कि जैसे ही वो मेल्ट करेगा या फिर वेपोराइज होगा तो उसको तुरंत वो कंडेंस करके किस फॉर्म में ले आएगा, सॉलिड फॉर्म में। तुरंत वो बहुत ही ज्यादा कंडेंस कर देगा तुरंत आसानी से, और उसको तुरंत वो सॉलिड फॉर्म में वो उसको नीचे जाके सेटल करते जाएगा, या सेटल नहीं होगा, वो उसी फॉर्म वहां पे सस्पेंडेड रहेंगे। तो जो मेटल जो है मेल्ट होते जा रहा है वो धीरे धीरे तुरंत आइस बाथ के कॉन्टेक्ट में ही है, तो तुरंत वो सॉलिडिफाई होके एक सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में वो सस्पेंडेड होने लगेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा कि सोल ऑब्टेन हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यही मेथड जो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम लोग मेटल को क्या करते हैं, मेटालिक इलेक्ट्रोड को डिसइंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स में। ठीक है, तो ये जो मेथड बनाया था या जो इस मेथड पे काम किया था वो ब्रेडिक था, तो उसी का ये मेथड है जिसका ब्रेडिक्स आर्क मेथड होता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली है क्या कि दिस मेथड इज जनरली, ऐसे लिख देते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। Generally used for the preparation of less reactive metals, ठीक है, like gold हो गया, silver हो गया, platinum हो गया, ये सारे etc. तो ये सारे मेटालिक सोल के लिए ये यूज किया जाता है। और इस मेथड में क्या होता है कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिस्पर्सन as well as condensation, ठीक है? तो इस मेथड में dispersion भी होगा और condensation, dispersion मतलब जो electrode use कर रहे हैं वो disperse भी हो रहा है, मतलब disperse हो रहा है, वो breakdown हो रहा है उसका colloidal particles में, ठीक है, melt कर रहा है तो, और as well as वो जो molten form में आ रहा है या vaporized form में आ रहा है वो तुरंत condense भी होके solid soul की तरह वो suspended हो जाते हैं। ठीक है, तो dispersion भी हो रहा है यहाँ पे और condensation भी हो रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो जनरली ये किसके लिए यूज, ब्रेडिक्स आर्क मेथड के थ्रू प्रिपेयर कराया जाता है। ठीक है, इसमें तीसरा जो मेथड होता है ना,
कोलाइड को प्रिपेयर करने का, ये इम्पोर्टेंट मेथड है, पेप्टाइजेशन मेथड बोलते हैं हम लोग, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन एक्चुअली है क्या, इट इज डिफाइंड एज as the process of converting a precipitate into a colloidal salt, ठीक है, by shaking it with dispersion medium in the small amount of electrolyte. पिछले साल सर पढ़े थे। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली में कोलाइडल जो प्रिपरेशन होता है, कोलाइडल सोल को प्रिपेयर किया जाता है, मतलब एक प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में नीचे सस्पेंडेड रहेगा सॉलिड, तो उस प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, कोलाइडल सोल में कन्वर्ट किया जाता है, कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो अपने आप कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होगा, वो एक सूटेबल उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा कि वो प्रेसिपिटेट जो है कन्वर्ट होगा किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में या कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है पेप्टाइजेशन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं ना प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करने के लिए, उस इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेट को हम लोग एजेंट से, तो पेप्टाइजिंग एजेंट जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, ठीक है, उसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है। और ये किस में कन्वर्ट करना है हमको, कोलाइडल पार्टिकल्स में, तो इसको बोला जाता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को पेप्टाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे क्या है, तो FeOH होल थ्राइस जो है कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है, ठीक है, पानी में इनसॉल्युबल है, तो इसमें अगर हम लोग FeCl3 ऐड कर दें, आयरन क्लोराइड, तो ये क्या होगा कि FeOH होल थ्राइस के सरफेस पे क्या होगा ना कि Fe3+ इसके सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब होने लगेगा, समझ में आ रहा है। Fe3+ क्या होगा कि इसके सरफेस पे जो प्रेसिपिटेट है उसके सरफेस पे वो एब्जॉर्ब होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Fe3+ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, उस कोलाइडल या जो प्रेसिपिटेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो चार्ज आने की वजह से क्या होगा कि वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक होने लगेगा, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स में वो उसके प्रेजेंस में ब्रेक होगा, और जैसे ही वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक होगा तो वो कोलाइडल रेंज में आने लगेंगे उसके पार्टिकल साइज, और इसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज होता है। अब यहाँ देखो, ये जो Fe3+ है, ठीक है, और इसके बाद Cl- जो है ये दूसरा लेयर ऐसे बनाता है, तो यहाँ पे ये जो इसके सरफेस पे जो एड्सॉर्ब हो रहा है, यहाँ दो लेयर बनता है, तो ये पहला वाला जो लेयर है ना इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड लेयर, मतलब जो आयन जाके उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है तो एक अलग लेयर बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, ठीक है। वहां पे फिक्स्ड लेयर में क्या होगा, इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा, और दूसरा वाला जो एनायन बच गया, यहाँ पे कैटायन यूज हुआ, कैटायन इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हुआ, तो इसको ये फिक्स्ड लेयर बन गया, यहाँ एनायन जो बच गया, ये दूसरा जो है ये इसको बोला जाता है डिफ्यूज्ड लेयर। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा आयन एड्सॉर्ब होगा, तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि जो आयन जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हैं उसमें जो आयन जो है कॉमन आयन, एक अगर प्रेसिपिटेट के साथ उसका एक कॉमन आयन अगर होगा तो वही कॉमन आयन वाला जो है उसके सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब होगा। तो यहाँ पे जैसे FeOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट था, तो हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए FeCl3, तो इससे प्रेसिपिटेट का कौन सा कॉमन आयन मिल रहा है, Fe मिल रहा है, Fe3+ ही कॉमन है ना प्रेसिपिटेट से, तो जो कॉमन आयन मिलेगा वही जाके उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा, तो उसके ऊपर चार्ज जो है, ये कौन सा चार्ज, किस चार्ज का ये सोल बनेगा बताओ,
तो जो उसके सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो रहा है, जो आयन एड्सॉर्ब होगा, अगर कैटायन एड्सॉर्ब हो रहा है तो जो सोल मिलेगा हमको पॉजिटिवली चार्ज सोल मिलेगा, यही अगर एनायन उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होता तो जो सोल ऑप्टेन होता उससे या जो कोलाइडल पार्टिकल्स ऑप्टेन होंगे वो किस उस चार्ज क्या होगा उसके ऊपर? कैटायन के केस में कैटायन अगर एड्सॉर्ब हो रहा है तो वो पॉजिटिव सोल मिलेगा, एनायन अगर एड्सॉर्ब होगा तो नेगेटिव सोल। तो यहाँ पे कैटायन एड्सॉर्ब हो रहा है तो इससे जो सोल ऑप्टेन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज सोल मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज सोल। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे रहे हैं कि द आयन विच इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द कोलाइडल पार्टिकल इज प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब्ड बाय इट। कोलाइडल पार्टिकल या प्रेसिपिटेट से वही उसके सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब होगा, ठीक है, और उससे चार्ज का नेचर भी उससे डिसाइड होगा, मतलब सोल का जो है वो चार्ज भी उससे डिटरमाइन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे AgCl है, ये प्रेसिपिटेट होता है, इसमें अगर मान लो हम लोग AgNO3 ऐड कर दिए इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें इसमें बताओ जो सोल ऑप्टेन होगा वो पॉजिटिव सोल ऑप्टेन होगा या नेगेटिव सोल ऑप्टेन होगा बताओ तो? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि इसके सरफेस पे कौन सा आयन एड्सॉर्ब होगा? Ag+ जाके एड्सॉर्ब होगा और Cl- यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? पॉजिटिव सोल। ठीक है, अब यही AgCl प्रेसिपिटेट में अगर हम लोग मान लो NaCl यूज कर दिए तो इस केस में कौन सा सोल ऑब्टेन होगा? नेगेटिव सोल हो जाएगा क्योंकि अब जो है कौन सा आयन इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएगा? Cl- हो जाएगा और ये Na+ जो है ये डिफ्यूज लेयर बनाएगा, तो अब ये जो सोल ऑब्टेन होगा ये नेगेटिव सोल है। एक साथ दो सोल हो सकता है? अब जैसे एक साथ दो सोल बना सकते हैं? एक साथ दो सोल नहीं। सर देखो ये अगर दिया हुआ है तुमको, इसमें बताओ तो इसमें यहाँ पे देखो इस टाइप में क्या है कि डायरेक्टली तुमको नहीं पता चल रहा है क्योंकि कोई भी कॉमन आयन यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा है डायरेक्टली। हो रहा है क्या? एक भी कॉमन आयन Cl- जाएगा एड्सॉर्ब होगा सर नेगेटिव सोल। क्यों Cl- जाएगा, H+ क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सर आसपास रहता है दोनों पीरियोडिक टेबल में। ऐसा थोड़ी ना होता है, आसपास रहने से क्लोजली रिलेटेड है वो मतलब नहीं हुआ ना क्लोजली, मतलब जो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, एक केमिकल रिएक्शन होता है, SnO2 में HCl अगर ऐड किए ये SnO2 जो है HCl के साथ पहले रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और ये रिएक्ट करके बनाता है SnCl4 और प्लस H2O। अब यहाँ देखो SnCl4 जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा तब SnCl4 एक कॉमन आयन शेयर कर रहा है SnO2 के साथ, कर रहा है या नहीं? यस सर। तो अब यहाँ पे अब इसके सरफेस पे क्या होगा कि SN4+ जाके इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा, तो अब जो सोल ऑब्टेन होगा इस केस में कौन सा सोल ऑब्टेन होगा? पॉजिटिव सोल। ठीक है, तो इस टाइप का भी केस दिया रह सकता है कि जहां डायरेक्टली तुमको कॉमन आयन नहीं दिख रहा वहां पे केमिकल रिएक्शन करके हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक कॉमन आयन जनरेट होता है वहां पे। डिफ्यूज लेयर में Cl- हो जाएगा, Cl- ही बचा हुआ है ना, तो डिफ्यूज लेयर में Cl- चला जाएगा। चलो एक क्वेश्चन है, जैसे ये बताना CDS में हम लोग Na2S ऐड किए, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, JEE मेंस में, तो इसमें जो है नेचर क्या होगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमको ऑब्टेन होगा कोलाइडल पार्टिकल्स उसका नेचर पूछा गया था, बताओ जल्दी से पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या नो चार्ज या ऐसे ऑप्शंस थे? नेगेटिव। नेगेटिव, सिंपल सा बात है, ठीक है, तो यही क्वेश्चन आया था। CDS में कौन पूछा है क्या? हाँ,
इनर सिंपल क्वेश्चन जेई में पूछता है क्यों नहीं पूछता है? जेई मेंस का क्वेश्चन देखे हो तुम लोग डायरेक्टली इन ऑर्गेनिक में तुमको डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिल जाएगा एकदम सिंपल सा। तो बस वही सारा चीज है। तो ये सब छोटा छोटा चीज भी मैटर करता है उसमें। ऐसा नहीं है कि तुम इसको इग्नोर कर दोगे। इसलिए बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक के चैप्टर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एकदम रीड करो। डेटा से कितना क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछा गया टेबल से, ठीक है। एप्लीकेशन वाला पार्ट तुम लोग को इसीलिए बोलते हैं, एप्लीकेशन वाले पार्ट से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, 2-3 क्वेश्चंस मिल ही जा रहा है हर एक पेपर में, ठीक है। तो इसलिए इनऑर्गेनिक का लाइन बाय लाइन रीड करो, एप्लीकेशन वाला पार्ट भी उस पर भी ध्यान दो, ठीक है ना। होता क्या है कि बहुत सारा चीज छोड़ देता है बच्चा, कि इसको लाइटली ले लेता है कि एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी फिजिक्स का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केमिस्ट्री तो बिना केमिस्ट्री का सिर्फ एनसीईआरटी ढंग से पढ़ोगे तो तुम 50-60% स्कोर कर लोगे आराम से जेई मेंस में। भले ही एडवांस में नहीं कर पाओ लेकिन 50% तो जेई मेंस में आराम से क्वेश्चंस बन जाएगा। बनेगा या नहीं बताओ? Yes, sir. 100 में तुम 50 नंबर तो डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ के, सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से अगर पढ़ा हुआ है तो 50 नंबर आराम से ला सकते हो। बच्चा उस पर फोकस करता ही नहीं है। द केमिस्ट्री में इस बार तो हम लोग के कोचिंग का केमिस्ट्री में ही बहुत गंदा मार्क्स आया है। बार बार बच्चे लोग को बोलते हैं इनऑर्गेनिक मतलब जितना लाइन बाय लाइन एकदम एनसीईआरटी से रीड करो। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टेबल से उठा के, एनसीईआरटी में जो टेबल दिया रहता है साइड में उससे डेटा से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो वो सारा चीज देखते रहना, इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उससे तुमको आइडिया लगेगा कौन सा क्वेश्चन, मतलब इसलिए बोलते हैं इनऑर्गेनिक का क्वेश्चंस देखो प्रीवियस ईयर का, उससे आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक या कौन से पार्ट को हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सारा पार्ट डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, तो जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो वाला पार्ट डिटेल में पढ़ोगे, बाकी एक बार रीडिंग भी करोगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही आया था। तो ये इस पे चार जो ऑप्टेन होगा, ये कौन सा सोल ऑप्टेन होगा? ये नेगेटिवली चार्ज सोल ऑप्टेन होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ये सारे मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन के, जो लियोफोबिक सोल होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए। पहला हो गया केमिकल रिएक्शन वाला था, दूसरा हम लोग देखे इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड या फिर ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और तीसरा जो है ये पेप्टाइजेशन है, ठीक है। चलो तो ये हो गया प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्यूरिफिकेशन, आगे कोलाइडल पार्टिकल्स ये थोड़ा सा डिटेल में है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि 8 बजे से क्लास लगा हुआ है मेरा, ठीक है, एक क्लास कैंसिल हो गया था, तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और 2 क्लास लगेगा इसमें, शायद 2 क्लास में ये और कम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में प्यूरिफिकेशन और प्रॉपर्टीज हम लोग कर लेंगे, उसके बाद एक और क्लास लगेगा उसमें एप्लीकेशन वाला, और एक ये बचा हुआ है इमल्सन वाला थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो हम लोग देख लेंगे। तो 2 क्लास लगेगा और मोर और लेस 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो तब तक यहाँ तक तुम लोग कंप्लीट करो, एटलीस्ट एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या नहीं एनसीईआरटी? यस सर, ठीक है। तो यहाँ तक एनसीईआरटी से कंप्लीट करो और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करो। क्वेश्चंस बना रहे हो बुकलेट से? यस सर, अभी नहीं। तो अब अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि 50-60-70% या 75% खत्म हो चुका है चैप्टर, 25% बचा हुआ है, तो अब क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करो, उसके बाद आगे क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर दोनों। बुकलेट चाहिए ना? हाँ, बुकलेट में ही तो है, प्रीवियस ईयर देखो, उसमें शायद रीसेंट वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, रीसेंट वाला जो 4-5 साल का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खोल के देखे थे तो फिर आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो पिछला साल का ही था उसमें, लास्ट ईयर का 36 क्वेश्चंस था, उसमें से 19 क्वेश्चंस पिछले साल का था। इस बार का बुकलेट में नहीं सर, क्वेश्चन बैंक रहता है ना उसमें देखे थे। अच्छा बैंक, हाँ वही बुकलेट में, हमको लगता है बुकलेट में उतना रिसेंट वाला क्वेश्चंस नहीं मिलेगा तुमको,
क्वेश्चन बैंक ही ले लेना, या फिर और तो नेट पे उपलब्ध है, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा तुम लोगों को, जेई मेंस के साइट से तो मिल ही जाएगा क्वेश्चन पेपर, है ना। प्रीवियस ईयर का डाउनलोड कर लेना क्वेश्चन उसके साइट से, या फिर बहुत सारा साइट तो अपलोड करता ही है क्वेश्चन, तो वो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा तुम लोगों को, सर्च करना पीडीएफ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक ले लो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक करो, आगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ाइएगा? नेक्स्ट तुम लोग का 11th का ही चैप्टर स्टार्ट होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम ही करेंगे स्टार्ट, गैसीय स्टेट हो गया है ना। यस सर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्ट होगा नेक्स्ट, थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।